हम आ गए हैं एवरी के अंदर माशाल्लाह से। ये देखें हमारी एवरी, बच्चों के सारे बच्चे हमारे बाहर निकले हुए घूमते हुए घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं ये देखें। और जो लव बर्ड्स हैं माशाल्लाह से वो भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं घूमते हुए, यहाँ पर ही घूम रहे हैं बाहर नहीं घूमते। तो ये कुछ चीज बाहर निकले हुए थे, मैं ओहो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। देखें ये बच्चा नीचे गिरा हुआ है, ये रेड एज का बच्चा है, ये बाहर गिरा हुआ है और इसको फीड भी नहीं हुई। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको बाहर पकड़ के बाहर निकालूँ, अंदर डाल दूँ यहाँ पे। वो देखे चिक्स कितने छोटे छोटे हैं, तो ये मुझे लगता है ऊपर से गिरा है, इसके चिक्स भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये कहीं ऊपर से गिरा है। पर इसको हम लोग उठा के डालते हैं, मुझे लगता है ये चिक इस वाली भेज जाएगा, तो इसको हम लोग इसमें छोड़ देते हैं। ये देखिए चिक बड़े भी हो रहे हैं माशा से, काफ़ी बड़े बड़े चिक हुए हैं। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इसमें एक चिक है, देखिए माशा से काफ़ी बड़े हुए हैं दोस्तों। ये प्रोग्रेस हमारे बजरी सुनूनी की है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस दे रहे हैं। बस मैंने आप लोगों को ये प्रोग्रेस दिखानी थी, आप लोगों से शेयर करनी थी। माशा से अच्छी इसमें प्रोग्रेस आ रही है, हर खुजे में अंडे बच्चे हमारे पास हैं। और माशा से 4-5-6 बच्चे तक एवरेज है हमारे पास, 7 बच्चों की भी एवरेज है। तो मैं आपको बताने का मकसद है कि इनको डाइट वगैरह हम लोग अच्छी दे रहे हैं, इस वजह से ये वहाँ पर हमारे पास प्रोग्रेस बहुत अच्छी आ रही है। और जो ये बाहर आपको फ्लाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ हमारे पास चिक्स हैं जो लास्ट क्लच में हमारे पास निकले थे, वो वाले बच्चे मैंने बाहर नहीं छोड़े हुए। वैसे रखे तो हमने इस पोर्शन में थे, लेकिन वो फ्लाइंग करके बाहर आ जाते हैं, तो ये बाहर उड़ना स्टार्ट कर दिए थे तो ये बाहर उड़ रहे थे, फ्लाइंग कर रहे थे, तो इसीलिए फिर इनको पकड़ के मैंने छोड़ा, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा फ्लाइंग करते हैं उतनी इनकी प्रोग्रेस अच्छी रहती है। तो अभी मैं देखता हूँ लवबर्ड, लटीनों वगैरह ने अंडे दिए नहीं, लटीनों के अंडा भी नहीं आया। तो मैं आप लोगों को क्लोज से दिखाता हूँ, ये देखें लवबर्ड फिशर हमारे यहाँ पे नेस्टिंग कर रहे हैं, इस बॉक्स में भी, इस वाले में खुद में, इस वाले बॉक्स में भी, और इस वाले में भी नेस्टिंग की हुई है, और इस वाले में भी नेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये नेस्टिंग दोबारा से करते हैं, क्योंकि नेस्टिंग मैंने पहले से निकाल दिए थे, जो नेस्टिंग वगैरह उसमें गंद वगैरह हो जाता है, बीच रहते हैं, कीड़े वगैरह खड़ा रहते हैं, तो वो नेस्टिंग में निकाल के नीचे फेंक देता हूँ और ज़ाया कर देता हूँ, फिर नई नेस्टिंग रखता हूँ, उसके बाद दोबारा से नेस्टिंग करते हैं, फिर अंडे वगैरह देते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये बॉक्स में हमारे पास 2 चिक्स थे, तो 2 के 2 चिक्स माशाल्लाह से एक्टिव हैं, हेल्दी हैं या नहीं है इनको देखना है। तो इनको देखने के लिए मैं इस बॉक्स को उतार के लाया हूँ माशाल्लाह से, ये देखें दोनों के 2 चिक्स माशाल्लाह से, एक लटीनो का एक फिशीज का बच्चा, दोनों चिक्स हमारे पास एक्टिव और हेल्दी हैं, ये देखें। वैसे ये लटीनो का बच्चा, तो मैं फिशरी के नीचे रख के इसको पाल रहा हूँ, क्योंकि ये लटीनो इसको फीड नहीं करवाते थे। और इसकी नेस्टिंग साफ इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसमें जरासीम पैदा ना हो। वरना इसमें कीड़े बहुत पैदा हो गए हैं।
ये सूखी घास पराली है, ये वाली हम वापस रख सकते हैं। आ जाओ भाई, माशाल्लाह से हमारा लिट्टीनों का बेबी जो स्टिक है वो ज़्यादा बड़ा हो गया और पिछली का भी छोटा ही लगता है हमें, तो हम दोबारा लगा देते हैं। चले जी, मैंने अभी बॉक्स वापस लगा दिया और मुर्गियाँ चौथे कर रहे हैं शोर, तो अभी हम चलते हैं बाहर। चलो भाई, मैं ले जी सारा दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया यहाँ से, और वैसे भी यहाँ पे अब डर नहीं है इतना ज़्यादा, तो क्योंकि यहाँ पे ये दरवाज़े जंगले लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये होता है मसला कि मुर्गियों के लिए हमने खोला होता है तो ये बच्चे तोते यहाँ से निकल के बाहर उड़ ना जाएँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक की, उम्मीद करता हूँ लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।